हाँ जैसे सक्रिय में करते हैं ठीक करना है, ऐसे ही है स्टार्ट करिए। साँस भरना है निकालना है, श्वास को तेजी से भरिए निकालते रहिए पूरी शक्ति के साथ। गहरे से लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास निकालें पूरी ऊर्जा के साथ। श्वास को भरने में पूरी ताकत लगा दें और श्वास को निकालने में भी पूरी शक्ति लगा दें। आंखें बंद करके महसूस करें कि जो श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है उससे आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। करते रहें पूरी शक्ति के साथ। देखें चारों ओर से परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती जा रही है, उस ऊर्जा का आनंद लें पूरी शक्ति के साथ। महसूस करते रहें जब लगे कि अब थकान होने लगी है तो बैठ जाएंगे। जिसको भी लगे कि थकान होती जा रही है या थकान हो गई है वो बैठ सकता है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, जितनी क्षमता हो उतना करें। बैठ जाइए, सामने सिलाव पर बैठ जाइए। आँखों को बंद कर लें, चश्मा हटा दें, चश्मा हटा कर बगल में रख लें। कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार का ना रहे। बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, शरीर पर कोई तनाव ना रहे, किसी प्रकार का कोई खिंचाव ना रहे। नहीं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, कहीं कोई तनाव ना रहे, पूरा शरीर शांत होता जाए। श्वासों की गति पर ध्यान दें, धीरे धीरे श्वासों की गति शांत होती जा रही है और जैसे जैसे श्वासों की गति शांत हो रही है वैसे वैसे आपका शरीर भी शांत होता जा रहा है। इस अद्भुत शांति को महसूस करना है, आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद रखें, देखें धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो चुका है, शरीर का समस्त नाभ श्वासों के साथ शांत हो गया है। अब महसूस करें बहती हुई हवा को, प्रकृति में
जो शीतल हवा आपके शरीर को स्पर्श कर रही है और उस स्पर्श करती हुई हवा से आपके शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो शीतलता आ रही है, और शीतलता से जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसको महसूस करें। पूरी चेतनता के साथ शीतलता को महसूस करते रहें। शरीर में आती हुई शीतलता, शरीर को हिलाएंगे नहीं, शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है। शरीर में सुन्नता आने लगे तो कोई बात नहीं है, दर्द होने लगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर दर्द होता है तो उसको महसूस करें। शरीर में कोई भी बदलाव अगर आ रहा है, कोई भी असहजता अगर आ रही है, तो उस असहजता को महसूस करते रहें। वायु की शीतलता का अद्भुत आनंद आपको मिल रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो खुशबू आ रही हैं, प्रकृति ने जो यहाँ सौंदर्य बिखेरा हुआ है उसकी जो खुशबू यहाँ फैल रही है, उस खुशबू का एहसास करें। मनमोहक खुशबू फील करें। यहाँ फैली हुई खुशबू को अद्भुत खुशबू का एहसास परमात्मा की बिखरी हुई खुशबू, परमात्मा की दी हुई शीतलता का एहसास आप कर रहे हैं। ऐसे मनोरम वातावरण का आप आनंद ले रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाट, घंटियों की आवाज़ें फील करें, महसूस करें। कितना मनोरम दृश्य है, कितना आनंददायक। परमात्मा के बिल्कुल निकट अस्तित्व के साथ आप जुड़ जाइए। परमात्मा का अस्तित्व इन बहती हुई हवाओं की शीतलता में महसूस कीजिए। बहती हुई खुशबू में महसूस कीजिए। चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ों में परमात्मा का अस्तित्व कितना अद्भुत, कितना मनोरम, कितना आनंददायक यहाँ बिखरा हुआ है। चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा की वर्षा हो रही है। चारों तरफ परमात्मा प्रेम की वर्षा आपके अंदर कर रहा है।
परमात्मा की वर्षा, अद्भुत प्रेम की वर्षा, चारों तरफ प्रेम बरस रहा है। डूब जाइए उस प्रेम में, जहाँ सिर्फ आनंद बचा हुआ है, आनंद ही आनंद। महसूस कीजिए उस आनंद को, महसूस करते रहिए इस आनंद को, अद्भुत आनंद। परमात्मा चारों ओर आनंद की वर्षा कर रहा है, अद्भुत शीतलता आपके अंदर समाती जा रही है, अद्भुत परमात्मा का प्रेम बरस रहा है। इस प्रेम की वर्षा में भीग जाइए, डूब जाइए अनंत गहराइयों के अंदर। स्वयं को उस परमात्मा में विलीन कर दीजिए, उस परमात्मा के प्रेम के साथ एकाकार हो जाइए। अद्भुत अद्भुत अनंत प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, चारों प्रेम ही प्रेम। महसूस कीजिए इस परमात्मा को, जो आपके अंदर समाहित हो चुका है। जीवन मन सब खत्म, केवल आनंद ही आनंद। इस आनंद की अनुभूतियां, परमात्मा की अनुभूतियां, मधोश हो जाइए, उसकी मधुशाला को पी लीजिए, डूब जाइए उस मधुशाला में जो है बिखर रही है। चारों तरफ अमृत ही अमृत बरस रहा है, उस अमृत में डूब जाइए। कितना आनंद है, सिर्फ आनंद ही आनंद बचे, वो कुछ ना बचे, ना मैं रहूं, ना मेरा शरीर, सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। उस पर रुक जाइए, यहीं ठहर जाइए, अपने आप को रोक लीजिए। जो कुछ है बस यही है, सब यही है, जन्नत यही है, सब कुछ यही है, कहीं कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। डूब जाइए।